मथुरा की आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आगामी 15 और 16 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संबंधी विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये संगोष्ठी विश्व मामलों की भारतीय परिषद ICWA की वित्तीय सहायता से आयोजित की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विषयक संगोष्ठी में देश के प्रतिष्ठित विद्वान, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के लगभग 200 शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, कूटनीतिक और राजनीतिक सम्मिलित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्घाटन 15 नवंबर को विदेश नीति विशेषज्ञ राजदूत पी स्टॉप डॉन द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार दीक्षित करेंगे। कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता सुशील पंडित इस सत्र के मुख्य वक्ता होंगे। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो सदस्य श्रीमती सुभारती सहगल, प्रोफेसर MM अंसारी, केंद्रीय सूचना आयुक्त और कश्मीर वार्ताकार तथा आशुतोष भटनागर विशिष्ट अतिथि होंगे। संगोष्ठी में 200 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। द्वितीय दिवस यानी 16 नवंबर को समापन सत्र में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलाधिपति फिरोज बख्त मुख्य वक्ता होंगे। ये हमारे महाविद्यालय में विश्व मामलों की भारतीय परिषद के द्वारा प्रायोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 15 और 16 नवंबर को होने जा रहा है। इसका जो टाइटल है वो है जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन, पाकिस्तान, चीन तथा अन्य विश्व के निहितार्थ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान, चाइना एंड द वर्ल्ड। तो 15 तारीख को सुबह इसका उद्घाटन सत्र है, जिसमें किर्गिस्तान के भूतपूर्व राजदूत एम्बेसडर पी स्टॉपडन मुख्य अतिथि रहेंगे और डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद दीक्षित जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। मुख्य वक्ता आप सभी जानते हैं कि वो मानवाधिकार कार्यकर्ता और जर्नलिस्ट श्री सुशील पंडित जी हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ट वक्ताओं में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र दिल्ली से श्री आशुतोष भटनागर और विख्यात कॉलमिस्ट सुभाषिनी सहगल अली और भूतपूर्व मुख्य सूचना आयुक्त श्री MM अंसारी, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर मामले में मध्यस्थता कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। सेमिनार दो दिन है, 15 तारीख को सुबह शुरू होगा और 16 को ये दोपहर बाद तक चलेगा। और इसमें सब बाहर से और यहाँ लोकल स्तर पर मिलान कर करीब 250-300 लोग भाग लेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद भोजन के उपरांत दो अलग अलग सत्र तकनीकी जो रिसर्च पेपर्स हैं, शोध पत्र हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए आयोजित किए जाएंगे, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेंगे। और 16 तारीख को भी सुबह एक तकनीकी सत्र होगा जिसमें शोध पत्र प्रस्तुत होंगे। और लगभग 11 बजे से इस संगोष्ठी का समापन सत्र होगा, जिसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री फिरोज बख्त अहमद, कुलाधिपति मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय हैदराबाद से वो होंगे, और जम्मू कश्मीर छात्र संघ के संस्थापक श्री नासिर खुहैमी ये भी इसमें शिरकत करेंगे, ये भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य वक्ता भी होंगे।